यस, फिर से वही सवाल, सेम सवाल, बार 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 बार। ऑडिशन के लिए कितने पैसे लगते हैं सर? मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ, मुझे कितने पैसे देने होंगे सर? वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए कितने पैसे लगते हैं सर? फलाना फलाना ऑडिशन वाले ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने बोला था कि 5,000 रुपये लगेंगे, जिसमें आपका आर्टिस्ट कार्ड बन जाएगा और जो आपकी ऑडिशन फीस है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। दोस्तों पहले एक बात समझ लो कि ऑडिशन के लिए कोई फीस नहीं होती है। सेम चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। मेरे पास आए दिन कोई ना कोई ऐसा कॉल आता ज़रूर है, कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, मैसेजेस बहुत सारे आते हैं कि फ़ीस कितनी होती है ऑडिशन की, हमें बताइए, हम सावधान इंडिया की ऑडिशन देना चाहते हैं, या हम क्राइम पेट्रोल क्राइम अलर्ट में जाना चाहते हैं, या किसी सीरियल में काम करना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए कि ऑडिशन की फ़ीस क्या होती है। दोस्तों पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप जिस इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा बैठे हुए हैं आपका मिसयूज़ करने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं फिर से आज आपको रिपीट मोड में बता रहा हूँ कि कहीं पर भी आपको ऑडिशन के नाम पर कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि किसी शो के लिए या किसी फिल्म के लिए हम ऑडिशन ले रहे हैं और जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और आपको उसके लिए ऑडिशन की फ़ीस देनी है, तो आप तुरंत उससे दूर हो जाइए। कॉल पर हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अगर आप उसे मिलने गए हैं तो तुरंत उठ के वहाँ से बाहर आ जाइए, क्योंकि ऑडिशन के नाम पर यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन हाउस आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल आपसे कहता है कि मुझे आपसे ऑडिशन फ़ीस लेनी है या आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस देनी है, इसका मतलब वो जेन्युइनली फ्रॉड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है और आपको उससे दूर हो जाना चाहिए तुरंत के तुरंत। दोस्तों मेरे पास इससे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर, कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं, और अधिकतर मैं परेशान हो गया हूँ एक ही चीज़ का जवाब देते देते कि ऑडिशन के लिए पैसे लगते हैं या नहीं लगते हैं, जबकि मैंने कई बार आपको बोल दिया है कि ऑडिशन के लिए कोई फ़ीस नहीं होती है। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जा करके पुराने जो भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगी कि ऑडिशन का प्रोसेस क्या है, इंडस्ट्री में काम कैसे मिलता है, ऑडिशन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ऐसी बहुत सारी ज़रूरी और बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एक एक्टर को पता होनी चाहिए, एक एस्पायरिंग एक्टर को ये सारी बातें जाननी चाहिए इससे पहले कि वो मुंबई आए। जैसे मुंबई में कहाँ रहना है, कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, थिएटर एक्टिंग में और कैमरा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये सारे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पर। तो आप पहले जाकर के वो सारे वीडियोस देखिए और फिर आप मुंबई आने का प्लान करिए। ऐसे सीधा बैग उठा कर मुंबई आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे मुंबई आएंगे तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएं, हो सकता है आपके पैसों का गलत इस्तेमाल हो जाए, कोई आपको ठग ले। तो पहले जानकारी ले लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, और जब आप पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप तैयार हैं मुंबई में आने के लिए और संघर्ष का जो ये रास्ता है उसको तय करके अपनी मंजिल तक पहुँचना है, अगर आप उसके लिए तैयार हो गए हैं तब मुंबई आइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेली डाल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखें, नॉट ओनली द इन्फॉर्मेशन वीडियो, जो ट्रेनिंग वीडियोस मैं डाल रहा हूँ आप उनको भी देखिए और घर में बैठ करके प्रैक्टिस करिए, आप देखिए आपके अंदर क्या ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।